नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे लैपटॉप में बैटरी जो है ख़राब हो चुका था, तो मैं सोचा कि क्या बिना बैटरी का ये लैपटॉप चलेगा, क्या ये सही है ये गलत है। तो इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूँ, ये मेरा बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रहा था, तो इस कारणवश मेरा सिस्टम में लैपटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी निकाला हुआ है, और मैं आपको पूरी तरह से विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूँ, बताने वाला। देख सकते हैं पूरी तरह से कहीं भी कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आपको नॉलेज देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा बैटरी चार्ज ही नहीं रहा था, तब सोचा कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूँ। तो इसके लिए मैंने बिहारी जुगाड़ लगाया, बस वही चार्ज देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा डायरेक्ट। और ये इसको क्या किया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है, बट लेकिन होता क्या है, सपोज कीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी से इसे कनेक्ट कर लिया है, लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि लाइन जब कट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जब डिसकनेक्ट हो जाएगा, तब वहाँ पर आपके हार्ड डिस्क बोर्ड पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या ये उचित है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ समयों के लिए, कुछ दिनों के लिए, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो सही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसे आप कैसे चलिए। आपके घर में इन्वर्टर हो या UPS है, जैसे देखिए मैं इसे UPS से चलाता हूँ, आपको ये दिखलाने वाला पूरा वीडियो विस्तार से। कोई फेक वीडियो, कोई पैसा वगैरह लगा के हम लोग ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में फेक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा UPS ऑन है, तो UPS से इसे मैं चलाता हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट मैं एक महीना से लगभग कर रहा हूँ, ये मेरा सही चल रहा है। हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट करना। अब इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका बैटरी लगा हुआ है, ओके, और आप चला रहे हैं अपने लैपटॉप को, बट उस कंडीशन में अगर आप चार्ज में बैटरी को लगाए हैं, तो उस कंडीशन में बैटरी से पावर नहीं, वो इलेक्ट्रिक से पावर मिल रहा है। तो इस कारण बस मैं कह सकता हूँ कि ये एक हद तक उचित है, आप चला सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ध्यान रखना है कि बार बार ये सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, सिस्टम बंद होगा आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और ये हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि बिना बैटरी के आप लैपटॉप चला सकते हैं, और जब भी चलाइए UPS वगैरह से चलाइए, बेस्ट रहेगा। तो मेरा सजेशन छोटा सा वीडियो में इतना ही था। आप देख सकते हैं कोई फेक वीडियो, हमेशा आप लोग सोचते हो कि फेक वीडियो होता है, लेकिन हमेशा फेक नहीं होता। देखिए, जो फेक वीडियो रहता है उसको मैं रिवाइवल भी करता हूँ, और जो ओरिजिनल जेन्युइन है वो भी बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने जेन्युइन चीज़ बताया कि अगर आपका बैटरी डैमेज हो गया है, रिसेंटली पैसे की प्रॉब्लम है, तो कुछ समय के लिए चला सकते हैं। और कुछ आपका सवाल रह जाए, ओके, तो कमेंट कर देना। बैटरी रिपेयरिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और मोबाइल प्रिंटर कंप्यूटर संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, देख सकते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब प्लग लगा रहता है तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज बैटरी का देख सकते हैं, यहाँ क्या होगा, देख 255 लिखा होगा, देख सकते हैं, तो ये परसेंटेज दिखाता रहेगा, इससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं। तो मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।